जय हिंद। मैं आपके साथ ललित कुमार। खबर बिहार के किशनगंज जिले से, जहां किशनगंज के पुलिस अधीक्षक कुमार आशीष को पटना के ज्ञान भवन में उत्पाद पदक से सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि बिहार कैडर के वर्तमान में किशनगंज के पुलिस अधीक्षक कुमार आशीष काफ़ी तेज तर्रार और निष्पक्ष पुलिसिंग के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने कोविड-19 के दौरान भी हमने देखा कि कुमार आशीष पुलिस अधीक्षक किशनगंज ने लोगों की काफ़ी सहायता की। लोगों को घर घर जाकर पुलिस के द्वारा जिस चीज़ की आवश्यकता थी वह मुहैया करवाया गया। उन्होंने किशनगंज जिले में अभी तक बहुत सारे अच्छे कार्य किए हैं, जो काफ़ी कठिन है। बिहार नशा मुक्त दिवस के मौके पर शुक्रवार को बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें उत्पाद पदक से सम्मानित किया है। कुमार आशीष सूबे के एकमात्र एसपी हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री के द्वारा सम्मान ग्रहण किया है। चालू वर्ष के दौरान किशनगंज के एसपी के नेतृत्व में किशनगंज पुलिस अब तक 1,00,000 लीटर से ज़्यादा शराब जब्त कर चुकी है और 500 से ज़्यादा आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। बंगाल और नेपाल की सीमा से सटे रहने के कारण शराबबंदी को सफल बनाना पुलिस के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। पुलिस की लगातार कार्रवाई से घबराकर शराब तस्कर नित नए तरीके आजमाते रहते हैं, फिर भी वह बच नहीं सकते हैं। इतना ही नहीं, बंगाल के कुछ स्थानों में नकली शराब निर्माण किए जाने की सूचना पर एसपी ने बंगाल पुलिस के अधिकारियों से स्थापित कर तस्करों के ठिकाने पर लगातार छापेमारी करने में तस्कर की कमर टूट गई है। हाल के दिन में ही एसपी के निर्देश पर गठित पुलिस टीम ने गुप्त सूचना पर छापेमारी कर कुख्यात शराब तस्कर साहिद प्रधान विश्वजीत सरकार उर्फ बासुदा को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। देखिए रिपोर्ट। बहुत अच्छा लग रहा है। पूरे किशनगंज जिला पुलिस ने जो मेहनत करी है पिछले एक वर्ष में, उसका सम्मान मिलते हुए देख करके काफ़ी खुशी लग रहा है। और ये सम्मान जो है, मैं पूरे किशनगंज जिला पुलिस और किशनगंज जिला वासियों को समर्पित करता हूँ। तो जैसा कि आपने सुना, ये थे किशनगंज के पुलिस अधीक्षक कुमार आशीष। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।